खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से है, जहां पर बारातियों से भरी बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिसके बाद बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। मामला बहराइच जिले के रुपैरिया थाना क्षेत्र के निधि नगर गाँव निवासी युवक के विवाह से संबंधित है। युवक का विवाह श्रावस्ती जिले के भिनगा कोतवाली क्षेत्र के कुमारनपुरवा गांव की रहने वाली युवती से हुआ था। विवाह संपन्न होने के बाद बारात दुल्हन को वापस लेकर घर जा रही थी, तभी रास्ते में चरदा गांव के पास जैसे ही बारातियों से भरी बस पहुंची, वैसे ही एसटी लाइन की चपेट में आ गई। तभी बस में बैठे लोगों को करंट का झटका लगा, जिस दौरान एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई और तीन बाराती घायल हो गए। रुपैरिया थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एसटी लाइन से बस छू गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। बारातियों से भरी बस में करंट लगने से श्रावस्ती जिले के मल्लीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमुना भवनियापुर निवासी बचराज यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नेपाल देश के बाके ठकुला गाँव निवासी रंगी लाल और निधि नगर गाँव के निवासी कृपा राम समेत अन्य एक व्यक्ति घायल हो गए। बारातियों से भरी बस जैसे ही हाई टेंशन तार से टकराई, वैसे ही वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोग किसी तरह से बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने और घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए, जहां पर घायलों को गंभीर बताते हुए डॉक्टरों के द्वारा जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया। थाना अध्यक्ष रुपैरिया ने बताया कि बस को कब्जे में ले लिया गया है, दूसरे वाहन से बारातियों को उनके घर भेज दिया गया है। बस के ऊपर रखे सामान से करंट फैला था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। बहराइच जिले से न्यूज एडिट यूपी के लिए विनय रस्तोगी की खबर। आपका भागवन, आपके भाई की मौत हुई है, कैसे हुई है, क्या है पूरा मामला? हमारे पिताजी के, पिताजी हैं, कैसे मौत हुई है? वो बारात गए थे, बारात से वापसी आ रहे थे। हाँ। तो एक हजार करंट 1100 होता है, 11000 लाइन का बस में रगड़ गया। अच्छा। तो उसको गिरने से ही उतर रहे थे, बस करंट लग गया। अच्छा, कहाँ पे हुआ ये? करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुआ ये? चरदा अस्पताल के बगल में।